न्यूट्रिशन की दुनिया में कोई डिबेट इतनी भयंकर नहीं है जितनी एक वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के बीच होती है। लेकिन कौन सा बेहतर है, वेजिटेरियन डाइट, नॉन वेजिटेरियन डाइट या फिर हाल ही में पॉपुलर हुई वीगन डाइट? आइए देखते हैं क्या कहना है मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद का इस बारे में। मैं आपसे मेरा खुद का व्यू पॉइंट भी शेयर करूंगा, इसलिए अगर आप कन्फ्यूज्ड हैं कि कैसी होनी चाहिए आपकी डाइट तो देखते रहिए इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। आपको शायद ये बात जानकर हैरानी होगी कि 19वीं शताब्दी में लगभग 80% भारतीय वेजिटेरियन थे, सिर्फ 20-22% लोग ही नॉनवेज खाते थे। लेकिन आज की डेट में आंकड़े बिल्कुल ही बदल गए हैं, जहां 71% भारतीय नॉनवेज खाते हैं और 28% लोग ही शाकाहारी हैं। भारत में वीगन 1% से भी कम है। वीगन जानवरों से प्राप्त कोई भी पदार्थ का सेवन नहीं करते, यहां तक कि शहद और दूध भी नहीं। वीगनिज्म को बढ़ावा तब मिला जब जानवरों पे हो रही हिंसा और दूध में हो रही मिलावट की रिपोर्ट सामने आने लगी। लेकिन आज भी दुनिया के सबसे ज्यादा वेजिटेरियंस भारत में ही रहते हैं। आखिर इतनी बड़ी चेंज का क्या कारण हो सकता है? क्या इसे पश्चिमी देशों का प्रभाव समझा जाए या फिर इसके पीछे कुछ साइंस है? सवाल तो ये है कि हमारे लिए सबसे अच्छी डाइट क्या है, नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन या फिर वीगन? मॉडर्न साइंस के हिसाब से अंडे, चिकन, मटन और बाकी मांसाहारी खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। आज के दौर में ये कहना गलत नहीं होगा कि काफी लोग नॉन वेज सिर्फ प्रोटीन की वजह से ही खा रहे हैं। बिल्कुल, एनिमल प्रोटीन को कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन कहा जाता है, क्योंकि इसमें 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं। RDI के हिसाब से एक आम व्यक्ति जो पूरे दिन बैठकर काम करता है, उसे भी लगभग 0.8 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से रोज प्रोटीन खाना चाहिए। और अगर आपका गोल है मसल बिल्डिंग करने का, तो मॉडर्न साइंस के हिसाब से आपको अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाना चाहिए। प्रोटीन के अलावा मांस में विटामिन B12, नियासिन और सिलेनियम जैसे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। लेकिन मॉडर्न साइंस का ओपिनियन एक मत नहीं है, यही प्रॉब्लम भी है। अक्सर ही ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं जिनमें मांसाहारी खाने के नुकसान बताए जाते हैं। इस बात में तो कोई शक नहीं कि प्रोसेस्ड मीट के नुकसान ही हैं। फिर कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रेड मीट यानी मटन, बीफ, पोर्क से कैंसर हो सकता है, जबकि व्हाइट मीट जैसे चिकन या फिश हेल्दी हैं। कुछ स्टडीज तो इसे भी गलत मानती हैं। एक लेटेस्ट स्टडी के मुताबिक मीट किसी भी फॉर्म में लाइफ को कम करता है और हार्ट डिजीज और कैंसर को बढ़ावा देता है। टी कॉलिन कैम्बेल एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट हैं, जिन्होंने अपनी पॉपुलर चाइना स्टडी बुक को 2005 में पब्लिश किया। इन्होंने 20 साल तक दूध और मीट प्रोडक्ट्स का डिजीजेस के साथ रिलेशन को समझने की कोशिश की। इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि प्लांट बेस्ड डाइट ही बेस्ट है। डॉक्टर कैम्बेल ने ये तक कह दिया कि एनिमल प्रोडक्ट से आया प्रोटीन, फिर चाहे वो दूध से ही क्यों ना हो, उससे कैंसर हो सकता है। कुछ और रिसर्चर्स ने भी इस थ्योरी पे अपनी मोहर लगाई है। खैर, इस बात को तो झुटलाया नहीं जा सकता कि ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस जो इन स्लॉटर हाउस एनिमल से निकलती हैं, उनका क्लाइमेट चेंज करने में 25% योगदान है। दुनिया के 80% फार्मलैंड्स इन पशुओं के लिए यूज हो रहे हैं, जिनसे सिर्फ दुनिया की 18% कैलोरीज ही आ रही हैं। इन जीवों की रहने की कंडीशंस बहुत ही निराशाजनक है। बेसिकली जो हम अपनी प्लेट पे डालते हैं उसका सोर्स बहुत मायने रखता है। कंक्लूड करूं तो मॉडर्न साइंस का व्यू पॉइंट बदलता रहता है। जनरल मत ये है कि व्हाइट मीट सही है, क्योंकि प्रोटीन और बाकी मिनरल से भरपूर होता है। अब आयुर्वेद की बात करते हैं। हमारे भारतीय प्राचीन ग्रंथ मांसाहारी और शाकाहारी दोनों को खाने के परिणाम स्पष्ट बताते हैं, और उसके बाद डिसीजन व्यक्ति का अपना खुद का है। आयुर्वेद के अनुसार खाने को सिर्फ बॉडी की नरिशमेंट के लिए समझना सही नहीं होगा, इससे मन भी प्रभावित होता है। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। 3 तरह का खाना हो सकता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। आप सोच सकते हैं कि जब एक जानवर को पता होता है कि उसे मारा जाएगा तो उसके इमोशंस कैसे होंगे। वही वाइब्रेशन उसके मांस में भी होता है, और जब हम उस मांस को खाते हैं तो बहुत सूक्ष्म तरीके से ही सही, लेकिन वही वाइब्रेशन हमारे मन की भी बनने लगती है। इन्हीं वाइब्रेशन से गुस्सा, सुस्ती, डिप्रेशन और अज्ञानता बढ़ती है। श्रीमद् भगवत गीता के चैप्टर 17 श्लोक 10 में ये बात कही गई है। आपको शायद ये बात जानकर हैरानी होगी कि महर्षि वाग्भट द्वारा रचित अष्टांग हृदयम के चैप्टर 6 में मांस खाने के बेनिफिट्स को बताया गया है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने 3 कंडीशंस लगा दी। पहली कि मीट जंगली हो, दूसरा फ्रेश हो, और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट कि सिर्फ उन्हीं को खाना है जिनके पास दूसरे और खाने के साधन ना हो।
हैं, सीधे तौर पे कहा जाए तो आदिवासियों के लिए। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि अगर जानवर को नहीं मारना चाहिए तो फिर पौधों में भी तो जान होती है, उन्हें खाना भी गलत है फिर तो। हमारे शास्त्र इस बारे में ये सलाह देते हैं कि चूंकि इंसान सबसे विकसित प्राणी है इस दुनिया का, तो उसे वही खाना चाहिए जिसे पाने में सबसे कम हिंसा हुई हो, यानी कि फल और सब्जियां। आयुर्वेद कहता है कि प्रोटीन बॉडी में सबसे बेहतर तब एब्जॉर्ब होता है जब हाई प्राणिक फूड्स जैसे दाल और स्प्राउट से लिया जाए, ना कि मरे हुए जानवरों से। दुनिया के अनेकों संत महात्माओं ने यही शिक्षा दी कि प्रकृति ने इंसान को मांसाहारी नहीं बनाया है। शारीरिक रूप से हमारे दांत पत्ते खाने वाले जीवों से ज्यादा मेल खाते हैं। हमारी जो आंतें हैं वे भी शाकाहारी जानवरों की तरह लंबी हैं। क्योंकि मीट बहुत जल्दी सड़ जाता है, शायद इसलिए प्रकृति ने मांसाहारी जानवरों की आंतें छोटी बनाई। और तो और, हमारे नाखून, पानी पीने का तरीका और नाइट विजन से भी यही लगता है कि हम शाकाहारी खाएं तो ही बेहतर होगा। डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में क्या कहें? भारत में हमेशा से ही गाय को माँ का दर्जा दिया जाता रहा है। हमारे शास्त्र देसी गाय का दूध पीने की सलाह देते हैं। इस गाय के बिलोना घी को अमृत समान कहा गया है। आयुर्वेद के हिसाब से इंसान जो सबसे विकसित प्राणी है उसे बड़े सचेत होकर अहिंसक आहार खाना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन फूड से दूर रहना चाहिए। फिर भी चॉइस उसकी खुद की है और उसका फल भी उसे उसी प्रकार ही मिलेगा। मेरे हिसाब से आपकी डाइट ना ही सिर्फ आपकी बॉडी और माइंड के लिए पौष्टिक होनी चाहिए, बल्कि समस्त प्राणियों और वातावरण के भी अनुकूल होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी पूरे स्वस्थ रहना चाहते हैं तो वेजिटेरियन डाइट खाएं। और अगर आपको लगता है कि वेजिटेरियन रहकर आप अपने फिटनेस गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, तो ये जान लीजिए कि न जाने कितने ही ऐसे महान एथलीट्स हुए हैं जो बिल्कुल मांस नहीं खाते। मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में मैं ये कहूंगा कि आप देसी गाय का अहिंसक दूध ही इस्तेमाल करें। अगर नहीं तो आप वीगन बन सकते हैं, और अगर आप ज्यादा एफर्ट नहीं डाल सकते तो उस केस में जितना हो सके नॉन वेज और पैकेट वाला दूध कम कर दें। अपना ज्यादा फोकस वेजिटेरियन डाइट पे ही रखें। आखिरकार चॉइस आपकी ही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। अगर आप एक ऑथेंटिक और बजट फ्रेंडली वे प्रोटीन खरीदने की सोच रहे हैं तो न्यूट्रा बे प्योर सीरीज का आइसोलेट एक अच्छा ऑप्शन है भारतीय मार्केट में। न्यूट्रा बे एक लीडिंग ऑनलाइन सप्लीमेंट स्टोर है जो ऑलमोस्ट सभी हाई क्वालिटी पॉपुलर ब्रांड्स के ऑथराइज रिटेलर हैं। हाल ही में न्यूट्रा बे ने न्यू पैकेजिंग में अपना प्योर सीरीज का वे प्रोटीन आइसोलेट लॉन्च किया है, जिसका वे यूएस से इंपोर्टेड है। न्यूट्रा बे प्योर सीरीज का वे आइसोलेट अनफ्लेवर्ड है, मतलब कोई शुगर, आर्टिफिशियल फ्लेवर, स्वीटनर या प्रिजर्वेटिव नहीं डाला हुआ। न्यूट्रा बे वे आइसोलेट के एक स्कूप में आपको मिलेगा 26.5 ग्राम प्रोटीन। मेन और वेमेन के लिए अगर आप वर्कआउट करते हैं तो न्यूट्रा बे प्योर सीरीज के वे आइसोलेट को एज अ पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक पी सकते हैं। और क्योंकि आप न्यूट्रा बे का प्रोडक्ट न्यूट्रा बे की वेबसाइट से ही खरीद रहे हैं तो फेक होने का तो कोई चांस ही नहीं। मार्केट के हिसाब से ये आपको काफी इकोनॉमिकल भी पड़ जाएगा। तो न्यूट्रा बे प्योर सीरीज वे आइसोलेट खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब आप मेरे काम को ज्वाइन बटन क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। माई नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।